हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और काफी टाइम बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, बिकॉज जिम बंद हो चुके हैं और जिम बंद होने के कारण कई लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आपके लिए होम वर्कआउट वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आप अपने घर पे भी एक प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप अपने पर्टिकुलर एक मसल पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। तो आज हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज, आज हम अपर बैक और अपने लोअर बैक की एक्सरसाइज करेंगे। और इसमें मैं आपको सिर्फ आपके दो डंबल्स के साथ पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसमें आप अपने घर पे आपके जो भी डंबल हो, 7.5 का डंबल हो, 10 का डंबल हो, 15 का डंबल हो, आप अपने अकॉर्डिंग डंबल अरेंज कर सकते हैं। और जिनके पास डंबल ना हो वो दो ईंटों का भी उपयोग कर सकते हैं, तो उससे भी आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। वर्कआउट से पहले हम थोड़ा वार्म अप करेंगे। आप अपने अपर बैक को किसी पिलर या किसी चीज के सपोर्ट से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, जिसमें आपका एल्बो हल्का सा बेंड रहेगा और जो प्रॉपर प्रेशर है वो आपके अपर लैट्स पे पड़ेगा, और इससे आपके अपर लैट्स की स्ट्रेचिंग होगी। इसको होल्ड करके कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करना है, सेम दूसरे हाथ से। इस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। सबके आपको 4 से 5 सेट कर लगाना है, और पर सेट में मिनिमम 10 सेकंड होल्ड करना है आपको आपके मसल पार्ट को, जिससे वो प्रॉपर स्ट्रेच हो। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे पुलअप्स। पुलअप्स के लिए आप किसी, अगर आपके पास कोई बार नहीं है लटकने के लिए, अपने छत पे छज्जे वगैरह हो उनका प्रयोग कर सकते हैं। या तो मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ, जिसमें आप अपने पुलअप्स को लगा सकते हैं घर के अंदर ही। अगर आपके पास पुलअप लगाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप अपने घर में एक मैट के थ्रू आप लग कर सकते हैं, जिसमें आपको ये गर्म पट्टी या अपने टावल के थ्रू अपने हाथों के अकॉर्डिंग जितना आपका हाथ की पैरलर खुल रहा है उतना आप पकड़ लेंगे। और इसमें आपको प्रॉपर सीधा स्ट्रेट होना है, और जो आपका लोअर बैक है वो पूरा टच रहेगा नीचे, और आपको सिर्फ अपने अपर बैक को ऊपर पुश करना है, और ये होल्ड एंड आगे छोड़ेंगे। इसमें आपको पीछे होल्ड करना है थोड़ा सा, और आगे रिलैक्स होंगे। जब आपका हाथ पीछे जाएगा तो मसल को स्क्वीज करना है प्रॉपर। इस तरीके से आप घर के अंदर ही पुलअप्स के सेट्स लगा सकते हैं। इसमें आपको करीबन 15-15 रेपिटेशन के 4 सेट लगाने हैं, और आप देखेंगे जो आप पुलअप नॉर्मल जिम पे करते हैं वही इफेक्ट आपका प्रॉपर मसल पार्ट पे इससे भी लगेगा। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हम डंबल रोइंग की एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है घर पे। सिंगल आर्म डंबल रोइंग, इसमें आप बेंच का प्रयोग कर सकते हैं। आप बेंच पे डंबल को इस तरीके से मूव करके आप अपने बैक की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास बेंच नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है, इन केस अगर आपके पास घर पे बेंच ना हो तो। इसमें आपको अपने पैरों को नॉर्मल खोलना है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा उसको अपने आपके नीज पे रखना है, और आपके लेग्स को थोड़ा सा बेंड करना है, और अपर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ये पीछे आपको होल्ड करना है एंड स्लो होल्ड स्लो। सेम आपको दूसरे हाथ से करना है ये। इसके भी आपको
करीबन 4 से 5 सेट लगाने हैं। इस तरीके से आप सिंगल आर्म डंबल रोइंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो है बेंट ओवर डंबल रोइंग। अगर आप इसे बारबल से भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास बारबल है और वेट है कुछ तो आप अपने बारबल से भी लगा सकते हैं, बट अगर आपके पास वेट नहीं है ना बारबल है तो आप सिर्फ अपने दो डंबल से बेंट ओवर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम इस तरीके से एक्सरसाइज को करना है। नॉर्मल लेके जाएंगे आगे डंबल एंड पीछे स्क्वीज डाउन एंड स्क्वीज। इसमें डंबल का खास ध्यान रखें, आपको डंबल आगे सीधे रखना है और पीछे राउंड में स्क्वीज हो जाएंगे ये। इस तरीके से आप बेंट ओवर की एक्सरसाइज कर सकते हैं पूरे आपके ही डंबल से, और इसके भी आपको 4 से 5 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन 15-15 के आप लगा सकते हैं। बस आप इसमें भी ध्यान रखें कि आपका वेट कितना हैवी है या लाइट है, उसके आगे अकॉर्डिंग आपको वेट को होल्ड करना है ऊपर। अब हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है डेड लिफ्ट। तो डेड लिफ्ट भी हम डंबल से लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ डेड लिफ्ट किस तरीके से लगाना है। डेड लिफ्ट में आपके नॉर्मल नीज को लेग्स को खोलना है, जितना कि आप डेड लिफ्ट की वर्कआउट में अपने लेग्स को खोलते हो। तो डंबल को पकड़ना है, इसमें आपके हल्के से नीज बैंड होंगे और जो डंबल होगा वो पैलर होगा आपके लेग के, और डाउन अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करेंगे ऊपर से। इसमें आपके जो बॉडी पार्ट की मूवमेंट होगी वो आपके हैमस्ट्रिंग की और आपके लोअर बैक की होगी। जब आप ऊपर आएंगे तो आपको अपने लेग को लॉक करना है और लोअर बैक को स्ट्रेच करना है पीछे एंड डाउन। तो ये एक्सरसाइज थी आपके डेडलिफ्ट की, इसके भी आपको 4 सेट मिनिमम लगाने हैं और इसमें रेपिटेशन आप 20-20 के 4 सेट लगा सकते हैं। मूवमेंट थोड़ी स्लो रखें और जब आप ऊपर जा रहे हैं तो अपने लोअर बैक को प्रॉपर स्ट्रेच करें, जिससे जो प्रेशर है बॉडी का आपके वेट का वो आपके लोअर बैक पे पड़े। अब हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारे बैक के वर्कआउट की वो है पुल ओवर। पुल ओवर हम चेस्ट पे भी करते हैं और बैक की एक्सरसाइज में भी यूज होता है, दोनों की मूवमेंट अलग अलग होती है। तो मैं आपको बताऊंगा आप अगर बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो तो बैक की एक्सरसाइज में आप पुल ओवर कैसे लगाएंगे। पुल ओवर की एक्सरसाइज के लिए आपको एक बेंच की जरूरत ही पड़ेगी। आप बेंच इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कोई छोटा सा स्टूल वगैरह हो या स्क्वायर सा कोई पिलर जिसपे आप अपने अपर बैक को होल्ड कर सके या उसके ऊपर रख सके। तो हम करेंगे इस तरीके से, वेट को यू पकड़ना है और यू लेके जाएंगे हम, और जो ऊपर आएगा हमारे फेस तक ऊपर आएगा, आपको चेस्ट तक नहीं लेके जाना। अगर आप चेस्ट तक लेके जाओगे तो प्रेशर आपका चेस्ट पे चला जाएगा, और इसमें क्लोज नहीं करना एल्बो को, आपको इसमें वाइड रखने हैं। और जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे पीछे तो आपका जो लैट्स है वो प्रॉपर पीछे स्ट्रेच होगा एंड स्क्वीज स्ट्रेच स्क्वीज। इस तरीके से आपको पुल ओवर की एक्सरसाइज को करना है, ये तरीका होगा इसका। तो इस तरीके से आप अपने पुल ओवर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के इसके भी आपको 4 से 5 सेट लगाने हैं। रेपिटेशन मिनिमम 15 रेपिटेशन हो चाहिए, और इसको आपको प्रॉपर पीछे होल्ड करके फिर आगे को मूव करना है डंबल को, और ध्यान रखें डंबल आपके फेस तक ही आए। अगर आप चेस्ट तक ले जाते हैं तो प्रेशर आपका इसे चेस्ट पे भी पड़ेगा। और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी आपके अपर बैक लोअर बैक की एक्सरसाइज, जो कि आप अपने घर पे बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी जिम के
आप अपने घर पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और आप अपने अपर बैक को काफी ब्रॉड और लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग कर सकते। जिम जब तक बंद है तब तक आप इन वीडियोस को देखें और अपने एक्सरसाइज को घर पे ही करें। आप सिर्फ दो डंबलों से आप अपने घर पे किसी भी बॉडी पार्ट की पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं और मैं बताऊंगा आपको हर बॉडी पार्ट की अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा कि आप दो डंबलों से सिर्फ कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें।